भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीएसएफ की जय। बीएसएफ की जय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय। की जय। की जय। बीएसएफ की जय। की जय। की जय। सर स्टैंड हटाना स्टैंड पर आगे बढ़ू। हाँ पीछे भी डॉक्टर है। आज का प्रोग्राम जो है वो आपने देखा होगा कि हम इस वक्त जो हमारे 75 साल आज़ादी के हो गए हैं उसका आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और उसी महोत्सव की श्रृंखला में एक प्रोग्राम है कि हर घर और हर इंडिविजुअल इंडियन के दिल में अपने झंडे के प्रति प्रेम जागृत हो, तो इसलिए एक मूवमेंट है जिसको कह रहे हैं हर घर झंडा। आज हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर कृष्णा नगर के तकरीबन 125 जवान ऑफिसर्स और सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स ने अपने एरिया के अंदर में घूम के प्रत्येक व्यक्ति को मोटिवेट किया और ये संदेश कि 15 अगस्त तक आपके छतों पर हिंदुस्तान का झंडा लहराना चाहिए, जिससे कि ग्लोबली हमारे स्ट्रेंथ और हमारी एकजुटता का पता लगे और लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठे कि हम जाति धर्म या किसी और विशेष रूप से अलग नहीं है, हम एक हैं। तो इस तिरंगे का मान्य ये है कि जब ये हर एक की छत पर फहराएगा तो हमारी एकता का एक जो प्रतीक है वो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो के अंदर में लोगों के दिमाग में असर करेगा। कौन सी रैली हो रही है? ये हमारे कृष्णानगर सेक्टर के एरिया में जितनी भी बटालियन हमारी हैं, हमने पूरे 5 बटालियन के इलाके में तकरीबन 240 किलोमीटर का इलाका है हमारा, बॉर्डर के प्रत्येक गांव में घर घर जाकर लोगों को ये संदेश पहुंचाया है कि हमें हमारे आज़ादी के 75 साल सबके बहुत बहुत मुबारक हों और
हम इन 75 साल का जो हमारा सेलिब्रेशन है वो अपने घर पे झंडा लगा कर करें, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो आम नागरिक के हाथ में है कि वो अपने घर में अपने देश का झंडा शान से फहरा सकता है। हमने इस वक्त तक, हम ये मान के चलते हैं कि तकरीबन हमने 4,000 से 5,000 तक लोगों को अप्रोच किया होगा, जिसमें हमने बॉर्डर से लगाकर और यहाँ तक लोगों को घर पे जाके झंडे दिए, और ये श्रृंखला करीब पिछले 3-4 दिन से हमारी लागू। मेरा नाम है संजय कुमार, DIG कृष्णा नगर।